गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा मैथ्स पॉइंट। आइए आज हम देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेशनल नंबर्स के बारे में। आज हम देखते हैं, क्लास नाइन्थ का टॉपिक है, नाइन्थ हाई स्कूल सभी में रहता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम देखते हैं। इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। मतलब लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल होता था जहाँ जो टर्मिनेट कर जाता था, मतलब जिसका एंड आ जाता है, और रिपीटिंग जहाँ पे नंबर्स रिपीट होते थे। आप अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हो तो आप लास्ट वीडियो में हमारे जाके ये चीज़ देख सकते हैं, पूरा हमने क्लियरली बताया हुआ है। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं, जैसे हमने लिखा 0.00, 0.01, फिर 0.01, 0.001, इस टाइप से हमने देखा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना तो ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है, मीन्स ये यहाँ पे देखिए ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब ये एंड नहीं हो रहा है इसका। दूसरी चीज क्या है कि ये नंबर जो है रिपीट भी नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पे आए हैं 2 जीरो, फिर यहाँ पे 3 जीरोस, 4 जीरोस, इस तरीके से ये नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक फॉर्म होता है कि अगर रूट एम की तरीके से लिखा हुआ है कोई भी नंबर तो वो इरेशनल नंबर होगा, जबकि जो एम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रूट एम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा हुआ √2, √3, √7, √5, √6, इस तरीके से जो नंबर्स दिए हुए हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। बट जैसे यहाँ पे हम क्या ले लें, √4 ले लेते हैं या फिर √9 ले लेते हैं, तो वो क्या रहेगा हमारा, वो हमारा नहीं हो जाएगा रेशनल नंबर, नहीं इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसका हम क्या कर सकते हैं, √4 जो है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने लिखा यहाँ पे √4 लिखा, तो √4 देखिए हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये 2 हो जा रहा है, यानी √4 जो है वो बराबर 2 के, और 2 जो है हमें पता है इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख लेंगे। जब 2/1 लिख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर जो है रेशनल नंबर हो गया। इस टाइप के नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं वो हमारे क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब बात आती है, हम थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, पाई एक क्या है, पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, बट पाई की वैल्यू कई कई क्वेश्चंस में हम लोग पुट करते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, जबकि जो 22/7 दिया हुआ है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, 22/7 हमने बताया था रेशनल नंबर की फॉर्म आपको कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, साथ ही साथ जो उसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए हर बार, ठीक है। तो आइए अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो रेशनल नंबर कोई भी दो नंबर दिए होते हैं उनके बीच के हमें क्या निकालना होता है, रेशनल नंबर। अभी हमने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो लगभग बता दी है, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर बीच में अगर डेफिनेशन आती जाएंगे तो हम बताते जाएंगे। आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब देखते हैं हम 2 और 3 के बीच के रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारा 2 और 3, सबसे बढ़िया हम इसको टेक्निक से देखते हैं। पहले हमने लिखा 2 एंड 3, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 और 3 के बीच के हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये दोनों नंबर्स दिए हैं हम इनके बीच में, इनके बीच के नंबर्स निकालने के लिए इन दोनों को फॉर्मूला है एक 1/2 x + y। जैसे हमने एक नंबर ये x मान लिया, ये y मान लिया, तो इनके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे, पहले 1/2 लिखा हमने, फिर 2+3 किया, तो देखिए 2+3 किया हमारा क्या आया यहाँ पे
फाइव बाई टू आया। अब देखिए हम क्या, टू और थ्री के बीच का ये हमने फाइव बाई टू निकालना है, तो हम इसको बीच में लिखेंगे अभी, क्योंकि हमें और निकालने हैं ना, थ्री निकालने हैं। अब देखिए हमारा इसके टू और थ्री के बीच का ये नंबर आ गया। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, टू इसके बीच का हम एक नंबर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो नंबर रियल नंबर्स दिए हैं, टू और थ्री के हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है। कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू और फाइव बाई टू के बीच का अब हम एक नंबर निकालते हैं। क्या हमने किया, वन बाई टू और साथ में टू प्लस फाइव बाई टू, टू प्लस फाइव बाई टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा, वन बाई टू, टू टू जा फोर प्लस फाइव, यानी कि नाइन, नाइन बाई टू, मीन्स ये नंबर निकल के आया हमारा नाइन बाई टू टू जा फोर, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर निकल के आया इन दो नंबर्स के बीच का, इसके और इसके बीच का हमारा ये नंबर निकल के आ गया नाइन बाई फोर। तो इस नाइन बाई फोर नंबर को हम इंसर्ट करेंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक नंबर नाइन बाई फोर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। ये हमारा नंबर अभी तक मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इन दोनों नंबर्स के बीच का एक नंबर निकाला है, सेम उसी तरीके से हम इस और इसके उसके बीच का एक नंबर निकालेंगे। देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या करा काम, ये 1 अपॉन 2, 5 बाई 2 प्लस 3, 5 बाई 2 लिखिए प्लस 3। तो हमने क्या करा यहाँ पे, 1 बाई 2, 5 प्लस 3, 2 3 जा 6, यानी 5 और 6 11, 11 बाई 2, यानी यहाँ पे कितना आया हमारा 11 बाई 2, 2 जा 4। मतलब कि हमारा एक नंबर इसके और इसके बीच का जो हमने नंबर निकाला है वो कितना निकल गया है, 11 बाई 4। इसको हम इंसर्ट करेंगे इन दोनों के बीच में, 11 बाई 4 के बीच में। तो आप देखिए हमें क्या, हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच के थ्री रेशनल नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। मतलब जो हमने पहले इस तरीके से लिख लिया था तो हमें आसानी रही, वरना हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा नंबर हमने निकाल तो लिया बट रखना कहाँ पे है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम कह सकते हैं कि देयर आर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्री रेशनल नंबर्स आर। क्या क्या हमारे पास नंबर्स आए हैं, पहला आया है नाइन बाई फोर आर, नाइन बाई फोर कॉमा, सेकेंड आया फाइव बाई टू, फाइव बाई टू, फिर क्या आया है इलेवन बाई फोर। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये सीक्वेंशियल ही होता है, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा सबसे छोटा रहेगा 2 बाई 2, फिर 9 बाई 4, फिर 5 बाई 2, फिर 11 बाई 3, फिर 4, ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये वाला समझ आपको लोगों को समझ में आ गया होगा इस तरीके से, बाकी कितने भी क्वेश्चन हो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5, ठीक है। तो अब हमें क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5, इन दोनों के बीच के हमें पांच रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पांच निकालने हैं तो हम क्या लिख लेंगे, n is equal to 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं हम 3 by 5 जो है एक हमारा नंबर, 3 by 5 और 4 by 5, ये दो हमारे नंबर दे रखे हैं 3 by 5 and 4 by 5। इन नंबर्स को सबसे पहले हम इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट करेंगे, इक्विवेलेंट का मतलब है कि इनके जो कोई भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, n इज इक्वल टू 5 है, तो हम लेते क्या नंबर है, एक ज़्यादा लेते हैं n प्लस 1, n प्लस 1 हम लेंगे, n प्लस 1 इज इक्वल टू यानी 6 आ जाएगा। 6 से इन दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 3 बाई 5
इंटू हमने क्या करा 6/6, तो क्या निकल गया 6 3 18 upon 30। और दूसरा नंबर हम देख रहे हैं 4/5, एंड क्या है हमारे पास 4/5 है, तो उसमें भी हम क्या कर लेंगे 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 6 24 24 upon 30। ठीक है, तो ये हमारे दो नंबर्स आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इनके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे हम 18/30, और इधर हम सबसे आपको लिखने का तरीका ये है, ऐसे आप लोगों का क्वेश्चन नहीं गलत नहीं होगा। इधर 18/30 लिख लिया, इधर हमने क्या लिख दिया 24/30। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नंबर स्टार्ट कर दीजिए सीधे, बस गिनती गिनना आपको स्टार्ट करना है। क्या हो जाएगा 18/30, फिर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितने फाइंड आउट करने थे, 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे। 5 रेशनल नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, ये इस तरीके से रेशनल नंबर आ सकते हैं। अब हम देख लेंगे कोई नंबर अगर इसमें डिवाइड हो रहा है, मतलब वो किसी नंबर से कट रहा है, तो उसको काट के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख देंगे तब भी ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम इस तरीके से भी हमने लिख दिया, ये हमारे क्या आ गए 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इतना हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड 7 नेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 3 और 4 के बीच के हमें 7 नंबर्स निकालने हैं रेशनल नंबर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे n बराबर, यहाँ पर भी हमें पता है n बराबर कितना है, यहाँ पे 7 है। n बराबर जब 7 है, तो हमने आपको क्या बताया था, अभी एक ज्यादा नंबर लेते हैं, तो हम क्या लेंगे n+1=8। तो ये नंबर्स हम लिखेंगे, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर हमारा, जो सिंपल 2 लिखा है, सिंपल 4 लिखा है, उसको हम अपॉन में 1 अपने आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसको हमने 3/1 लिखा, दूसरे वाले को हमने क्या लिख लिया 4/1। अब हमारे पास इसको हमें इक्विवेलेंट करने के लिए हम 8 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 24/8। एंड यहां पर देखिए आप लोग, इसमें भी हम 8 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4 8 32 32/8 आ गया यहां पर भी। ठीक, तो ये हमारे नंबर्स आ चुके हैं। अब इनके बीच के हमें नंबर्स निकालने हैं, कितने 7 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब बस हम इसको लिख लेंगे 24/8। अब क्या करेंगे हम, दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, चलिए एक लाइन से लिख लेते हैं, अभी लास्ट में वही आ जाएगा। तो 25/8 हो गया, फिर 26/8 हो गया, फिर 27/8 हो गया, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8, 32/8। ठीक है, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 8 1 8 8 3 24, 8 1 8 8 4 32। तो यानी इनके बीच के, 3 और 4 के बीच के, इसको हम देखें तो 3 के बीच का क्या क्या नंबर आ गया, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8 और लास्ट नंबर 4। यानी 3 और 4 के बीच के हमारे 7 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी हमारे पास नंबर्स दिए हों, तो उनके बीच के हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हमें लगता है कि इतने क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे कि
कैसे हम कोई भी दो नंबर दिए हों उनके बीच के रेशनल नंबर्स निकालते हैं। अब हम रिपीटिंग टाइप वाले जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना आप लोग कीजिएगा और इसके आगे क्वेश्चन भी कीजिएगा। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।